गुड मॉर्निंग बच्चे, आज मैं हमारे हिंदी CBSE के जो पदों के बारे में समझा रही हूँ। आपको पता है हमारे काव्य खंड के दो भाग होते हैं, कविता और एक पद। जो मैं काव्य खंड के बारे में बता रही हूँ उसमें दोहे भी होते हैं। दोहे पता है आपको, दो पंक्तियों का जो कविता होता है, पद होता है, तीन पंक्तियाँ होते हैं, चार पंक्तियाँ, पांच पंक्तियाँ ऐसे होते हैं, उसको पद कहलाते हैं। यहाँ पद को रैदास जी ने, जो रचनाकार हैं रैदास जी ने, उनको रविदास भी कहा जाता है। उनका जन्म हुआ है 1388 से और 1518 तक उनका जो चालू है। और जो काव्य खंड में पदों का बहुत बड़ा नाम होता है, क्योंकि पदों को समझने में बहुत दिक्कत होता है उनका। क्योंकि दिक्कत माने दोहे में कैसे जो दो पंक्तियों में बहुत गहरा सार होता है, ऐसे ही पदों में भी गहरा सार होता है, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ जो आपको जो पदों के बारे में समझाना चाहती हूँ। और रविदास, उनका नाम और दूसरा नाम है रविदास। इन्होंने भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। निर्गुण भक्ति माने उन्होंने जो मूर्ति पूजा या तीर्थ स्थान जाना नहीं मानते थे, उनका ये है परमात्मा, आत्मा को जानना। परमात्मा जो आत्मा में ही रहता है, उसको ढूंढने के लिए गिरजाघर, मंदिर और मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो ऐसे बताना चाहते हैं कि और भगवान और भक्त के जो रिश्ता कैसा है, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है, हम कैसे निभाना है भक्ति को, उसके बारे में समझाना चाहते हैं। जो हमारे जो पहला पद में जो पहला पंक्ति है, जैसे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, जो ऐसे बताना चाहते हैं। जो पहला पंक्ति में रविदास जी ने अब कैसा छूटे राम नाम रट लागी, राम नाम को रखे बिना मेरा जीवन पूर्ण कैसा होता है, जो मेरा जीवन जो राम नाम पर भी टिका हुआ है उसके बिना मैं जी नहीं सकता। और आगे ऐसे जो संबंध को जुड़ा रहे हैं, भक्त और भगवान का क्या रिश्ता होता है, किस जो ऐसे शब्दों से तुलना किए गए हैं, जो ऐसा समझाना चाहते हैं कि जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। देखो ऐसा चंदन के बारे में आपको पता है वो ऐसा कैसा सुगंधित होता है, पता है सुगंध कब निकलता है, तो उसको पानी से डाल के घिस घिस के उसको अंग में पोसने से, चंदन को पानी से मिलने से ही उसका खुशबू जो निकलता है। इसका मतलब है कि भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होता है, चंदन और पानी के समान होता है। और तीसरा जो पंक्ति में ऐसे बताए हैं, प्रभु जी तुम बल धन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जो ऐसे और जो पहला जो पंक्ति में चंदन और जो पानी का संबंध बताए, और दूसरे पंक्ति में मोर और जो घन के बारे में, इसका मतलब बादल के बारे में, जब बादल गरजते हैं तब वर्षा होती है और मोर अपना पंख खिलाते हुए नाचता है। और मोर और जो बादल का संबंध, अटूट संबंध के बारे में बताया है, ऐसे ही प्रभु माने भगवान और भक्त का संबंध ऐसा होता है। और भी एक ऐसा जो उदाहरण दिए गए हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम बाती हो और जो दीपक हो, जैसे तेल के जो बत्ती डाल के दिया जलाते हैं, दिन रात जलती रहती है, ऐसे ही बाती और दीपक का क्या रिश्ता होता है, क्या ऐसा संबंध होता है, ऐसा ही भक्त और भगवान का संबंध भी होता है। और दूसरे जो नेक्स्ट इसमें बताते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। और मोती और धागे के संबंध में बताए हैं, मोती अकेला जो रहता है वो एक उसमें इतना सुंदरता नहीं दिखाई देता है, जब उसको माला बिरो के जो गले में डालते हैं इतना सुंदर होता है। धागा और मोती में जो रिश्ता है, ऐसा ही भगवान और भक्त में भी रिश्ता होता है। और सोना और सुहागा, सुहागा ऐसे बोलते हैं कि जो सोने में मिलावट होता है ना, मिलावा जाता है ना, उपचार को जो सुहागा बोलता है। जैसे जो प्योर गोल्ड होता है वो किसी के लिए काबिल नहीं है, किसके लिए यूज नहीं होता है, उसमें जब सुहागा मिलाते हैं हमें ऐसे जो बढ़िया जेवर बना सकते हैं। तो उसमें जैसे बाती और मोती और सुहागा, सोने में सुहागा, चंदन पानी और चंद चकोर, और एक भी ऐसे जो एग्जांपल बताए हैं, चंद चकोर, जब चकोर पक्षी ऐसा है चांद के लिए जो इंतज़ार करता रहा है, जब चंद्रमा निकलता है उसे देख के अपनी आवाज़ को निकलती है, अपनी सुरीली आवाज़ को निकालती है, ऐसे ही जो इतने रिश्ते को बताए हैं, एक दूसरे से संबंध बताए हैं, वो सभी अटूट होते हैं। जो ऐसे ही इस जो पैराग्राफ में ऐसा बताना चाहते हैं रविदास जी, जो
जो हमारे और भगवान के माने भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट होता है, जो एक दूसरे से नहीं होता है। जब भक्त रहता है, भक्त है माने भगवान का जो अटूट संबंध होता है और भगवान का जो आस्था होती है। जब भगवान ही नहीं है तो भक्त का भी वैल्यू नहीं होता है, भक्त किसका आराधना करता है। तो इसीलिए भक्त और भगवान से एक अटूट संबंध को बताने की कोशिश किए हैं, उनका स्थान मान और कैसे जो भगवान के साथ रिश्ता रखना है और आत्मा क्या है। हमें ऐसे जो भगवान को ढूंढते हुए मंदिर मस्जिद जभी जाना जो गलत बात है ऐसे, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति धारा के जो रचनाकार होने के नाते जो ऐसा समझाना चाहते हैं। पहला पैरा का ये जो सारांश है, जो आगे और भी एक दूसरा पैरा है और अगले क्लास में मैं बताना चाहती हूँ। धन्यवाद।